जब हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमने ये सोचा कि कैसे हम डिफरेंस ला सकते हैं। सो हमने क्या किया, सारे इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग घी हम जो है वो बैंगलोर से हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, शेफ से लेके हर एक चीज़ वहाँ से हम कर्नाटक से ट्रांसपोर्ट किया गया है। सो आपको जब खाते भी है तो यू कैन फील द देसी फ्लेवर, जो बैंगलोर की देसी फ्लेवर घी है वो भी आप फील कर सकते हो। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन डोसा मेकिंग, इडली मेकिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी हैव बीन ट्रांसपोर्टेड। हमारे लिए ये लॉकडाउन पीरियड जो है बहुत डिफ़िकल्ट लगा है, इतना डिफ़िकल्ट स्टेज था। इंस्पाइट ऑफ दैट हमने ये सोचा कि हमारे फैमिली जो है, जो हम बैंगलोर से यहाँ तक एक भरोसे के साथ हम बुला के लेके आए थे स्टाफ्स को, उन लोगों को हमने अच्छे से देखभाल किया और हमने उनको खाना पीना हर चीज़ का ख्याल रखा। वीकली आके उनको देख के भी उनको कुछ ज़रूरत है कि नहीं पैसे देख के पूरा अच्छे से ख्याल रखा, क्योंकि उन्होंने एक भरोसा के साथ वहाँ से यहाँ पर आए थे, तो हमने भी उनका बहुत अच्छे से देखभाल किया। जब लॉकडाउन फिर से खुल गया था, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया था, तो हमने हमारे शेफ्स को वापस भेजा थोड़ी दिन फैमिली के साथ बिता के। फिर उनको वही लोग आए, जस्ट बिकॉज हमने उनका देखभाल बहुत अच्छे से किया, एक भरोसा जो हमने उनके अंदर रखा हुआ था, इसी भरोसे ने उनको वापस वहाँ से यहाँ तक आने का ये हुआ। वापस आए, हमारे सपोर्ट करेंगे, हम आएंगे, हम रहेंगे मैडम बोल के उन्होंने हमारे साथ वापस मिला। आज हम आए नेताजी के यहाँ पे। नीतला जी है कर्नाटका की, तो कर्नाटका से ही शिफ्ट हुई बिकॉज ऑफ वर्क ऑफ अ हस्बैंड यहाँ पर दिल्ली में। एंड दिल्ली में इनको ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे जो बेंगलोर स्टेट का जो खाना है, जो कर्नाटका से खाना है, वो उनको नहीं मिलता। ये चाह रही थी कि इनका वर्जन भी लोगों के आ गया है, बिकॉज इनको रियलाइज़ हुआ कि दिल्ली तो काफ़ी बड़े फूडीज रहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। तो इन्होंने एक अथियम करके एक रेस्टोरेंट खोला, जिनको अथियम का मतलब गेस्ट और कस्टमर इज़ अतिथि, मतलब भगवान। काफ़ी अच्छी नेक सोच थी, काफ़ी नेक इरादा था कि लोगों को देसी वर्ड बोलो, देसी साउथ इंडियन, हम देसी जैसी कोई भी चीज़ होता है इंडिया का, कोई भी चीज़ आप बिना फ्यूजन के देसी वर्जन खाओ तो बड़ा स्वादिष्ट है। एक दो बार शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अडेप्ट करोगे तो धीरे धीरे अच्छा लगेगा। तो देसी फूड कर्नाटका का यहाँ पर सर्व करते हैं। खुले हुए कुछ ही महीने हुए थे कि लॉकडाउन आ गया, काफ़ी बिजनेस हिंदुस्तान में जिन्होंने अभी जब स्टार्टअप किया था और मार्च में लॉकडाउन हो गया, बड़ा ही इफेक्ट हुआ। गाइस हम देख रहे हैं कि ये केरला मसाला डोसा कैसे लगाते हैं। तो अभी आप सोच रहे हो इन्होंने ग्लव्स ही पहन रखे, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हॉट किचन है, ग्लव्स अगर बाय चांस इस पर लग गए तो चिपक के इनके हाथ को भी जला सकते हैं। तो हर ऑर्डर के बाद ये, या हर 15 मिनट बाद अपने हाथ अच्छे से धो रहे हैं, मास्क पहन रखे हैं, हेड गियर पहन रखा है इन्होंने। अब इसमें वेजिटेबल्स डाली है, काफ़ी अच्छा हेल्दी ये केरला स्टाइल मसाला डोसा लगने जा रहा है। अब डलेगा इसमें मसाला, एंड इसमें ज़्यादा आलू नहीं डल रहा, आलू इज़ बेसिकली हैवी। एंड ये इसमें हरी चटनी डाल रहे, कोकोनट वाली हरी चटनी है, ये होने वाला बहुत बढ़िया मसाला डोसा केरला स्टाइल, केरला मसाला पाउडर। अब ये देखो इसमें डल रहा है बढ़िया सा, ये देसी घी डल रहा है, देसी घी गाइस। एंड यू नो के आई एम अ एडवोकेट ऑफ यूजिंग देसी घी रादर देन अमूल बटर या कोई भी बटर खाओ। जो फ्लेवर आपको अमूल बटर देता है या फिर कोई भी बटर देता है, वो देसी घी भी देता है फ्लेवर। बस क्या है कि वो विज्ञापन पे चलता है और आपको लगता है कि अमूल बटर इज समथिंग वेरी गुड इन टेस्ट। देसी घी का कोई विज्ञापन ऐसा नहीं आता, ओहो देसी घी खा रहे, वाह वाह देसी घी। बट देसी घी हैज़ अ टेस्ट, देसी घी इज़ अ सुपर फूड नाउ। मतलब बाहर के देश वाले बोल रहे हैं कि देसी घी खाना बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए, तो आप क्यों नहीं खाते। क्या रंगत आ गई डोसे की, वाह वाह मज़ेदार बन रहा है डोसा ये तो। अब और देसी घी डाल रहे हैं, एंड देसी घी ना ये गाय का देसी घी यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये कोशिश करते हैं कि इनके होम टाउन से ही आए, कर्नाटका से आए। ये देखिए बन गया है बढ़िया सा मसाला डोसा। ये कलर जो है ना, मेरा तो नहीं आता घर पर बना तो, ये कलर मुझे बार बार लगता है डोसा जल जाएगा, घर पे नहीं आता कलर। वो जो देखो एक्सट्रीम पे जो वो पीला रंग है वो आता है, ये नहीं आया मेरा घर पे कभी। ये कट, वाह ये जाएगा प्लेट में। तो गाइज ये पर्टिकुलर सेट डोसा है, ये पर्टिकुलर कर्नाटका का फेमस है काफ़ी।
तो एक ही ये सेट डोसे में तीन टाइप के आपको डोसे मिलते हैं, एंड ये डोसा उत्तपमा जैसा होएगा, लेकिन ये है डोसा, डोसे की काफ़ी वैरायटी होती है। जो बबलिंग हो रही है, जो फर्मेंटेड है ना, वो अंदर से बबल्स क्रिएट कर रहे हैं, बड़ा कुशी सा नरम सा डोसा बनेगा ये। तो ये जा रहा है इसमें देसी घी, देखो तो जो देसी फूड है ना, टिपिकल देसी फूड ऑफ साउथ इंडिया या देसी फूड ऑफ पंजाब या देसी फूड कहीं का भी, मज़ा आता है देसी घी के अंदर। कौन कौन एग्री करता है देसी घी इज़ बेटर देन, आज हो जाए देसी घी वर्सेस बटर विच इज़ बेटर, राइट डाउन देसी घी वर्सेस बटर विच इज़ बेटर। जिस तवे पे बना रहे हैं ना ये तवा, ये कह रहे हैं कि ये भी साउथ इंडिया से लेके आए, जो दिल्ली में जो तवे होते हैं पतले से होते हैं, नीचे आंच बड़ी तेज़ होती है, ये 50 किलो का तवा है आयरन का, और इस पर इक्वली तीन फ्लेम चलती है, जो कहीं पर भी बना लो डोसा इक्वल आपको मिलेगा। ये देखो बताते बताते हमारा सेट डोसा हो गया सेट, अब चलते हैं और खाते हैं बढ़िया सा डोसा यहाँ पे। सो गाइस, जैसे हमने देखा डोसा कैसे बना था, और ये टिपिकल डोसा नहीं है, ये है स्पेशल केरला का डोसा। सबसे पहले खाते हैं सेट डोसा। मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस सेट डोसा खाने का पुणे के अंदर था, जहाँ पे आंध्रा के बंदे ने काट लगा रखी थी, नहीं वीवीपुरम। तो आपने अगर नहीं देखी पुणे की चीज़ जाके देख सकते हो। और ये देखो जैसी फर्मेंटेड फ्लावर उड़द और दाल, पहले इसको सिर्फ बिना किसी इंग्रेडिएंट के खा के देखता हूँ, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। कुलचे में फर्मेंटेशन की खुशबू और टेस्ट होता है, वैसा ही इसके अंदर है। ये इनकी हरी कोरिएंडर वाली चटनी कोकोनट के साथ, ये है इनकी लहसुन और प्याज की चटनी, और ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं तो दिल्ली में पहली बार देख रहा हूँ, ये है मीठी चटनी। मतलब यूनिक एक्सपीरियंस, इफ़ यू फील इट स्पाइसी कुछ भी तो यू कैन यूज़ द मीठी चटनी। मीठी चटनी का खा के भी देखते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। सांभर इज़ डिफरेंट जो हम दिल्ली में खाते हैं, दिस इज़ द बेंगलुरु स्टाइल, काफ़ी थिक है, बिल्कुल पानी जैसा नहीं है। एक यूनिक बात आपको ये बताऊँगा कि अगर आप बेंगलोर जाते हो, जैसे हम गए थे बेंगलोर, वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि जितने भी डोसा और इडली के स्पेसिस है ना, उनमें से 90% सांभर सर्व नहीं करते, बिकॉज द ब्राह्मण ऑफ कर्नाटका डोंट ईट सांभर, बिकॉज उसमें प्याज व्याज जाता है। सो जितने भी कर्नाटका के रेस्टोरेंट हो गए, मोस्टली वो सांभर कम प्रेफर करके, लेकिन दिल्ली में आए तो दिल्ली वालों को सांभर पसंद है, तो उन्होंने सांभर भी हर चीज़ के साथ दे रहे हैं, दैट्स अ एक्सेप्शन। दिस इज़ द बेस्ट सेट डोसा, मतलब अब तक जो मैं दिल्ली में खाया। सो गाइस, इन्होंने हमें दो ड्रिंक्स ला के दिए। आपको पता है सैंडलवुड इज़ वेरी फेमस इन साउथ इंडिया, एंड काफ़ी ठंडा एहसास होता है सैंडल का, तो ये ड्रिंक बनाई है इन्होंने, दिस इज लाइक अ फ्रेश लाइम सैंडल ड्रिंक। एक चंदन का अलग ही खुशबू होती है ना, वैसा इसमें है। एंड ये जो बोल रही है ब्लैक पेपर चिली वाली है, चिली वाली एंड में जाके चिली ऐड करती है, वेरी नाइस। मतलब चंदन की आप खुशबू सूंघो ना तो काफ़ी अच्छी होती है, चंदन की वुड की या फिर चंदन का टीका लगाते हैं, बिल्कुल सेम इसमें से खुशबू है चंदन की। ये है केरला डोसा जिसके हमने मेकिंग देखी थी, जो मुझे काफ़ी हेल्दी लग रहा था, एंड दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट जो दिल्ली में हम डोसा खाते हैं। बिल्कुल वेजीज भर रखी है, आलू का मिनिमम यूज़ हो रखा है। क्या फ्लेवर है गाइस, मतलब मुझे तो कुछ चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं लग रही, देसी घी का इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। और ये इन डोसों की खास बात क्या है कि ये डोसा एक बंदा एक खा लेना पूरा, तो कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइस, अब हम खा रहे हैं आंध्रा मील यहाँ पर, एंड इसमें देखो आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने दे रखी है। दिस इज़ केसरी भात, मुझे पता है, दिस इज़ भाजी, मिक्स भाजी, सोल करीज, कोकोनट मिल्क एंड सम मसालास। तो कोकोनम डालते हैं कुछ रीजन में, तो मुंबई जाओगे तो सोल करी आपको मिलेगी पिंक कलर की, ठीक है। एंड ये पीने के लिए होती है, ये कर्ड है, कर्नाटका स्पेशल सागू, और ये भी मिक्स वेजिटेबल है, पूरी भाजी का भाजी विदाउट अनियन, जैन सांभर, आंध्रा पप्पू, दाल को साउथ में पप्पू बोलते हैं, एंड इट इज़ नॉट दैट पप्पू जो आप लोग बोलते हो दिन रात ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे। तो 490 का अगर दो बंदे खा रहे हो तो आपको रिपीट नहीं मिलेगा, एक बंदा खा रहे हो तो जितना मर्जी खाओ। सबसे पहले भाजी का खा के देखते हैं। सोल करी इज़ ऑल्सो टू ड्रिंक, वेरी सार इन फ्लेवर। ये है मिक्स वेजिटेबल आंध्रा स्टाइल। आप भी अगर आंध्रा भवन का फूड मिस कर रहे हो ना,
और वेजिटेरियन मटर सिर्फ, तो यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी डिफरेंट मसाले, काफ़ी पंजेंट है गाइस। अब मैं करना चाह रहा हूँ सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल काम राइस खाने का। ये हमने इसमें अभी पप्पू डाला है, ये राइस खाने का तरीका है साउथ इंडिया में। ये है घी, गाय का घी, थोड़ा सा पापड़ लेते हैं ऊपर से। यू मिक्स इट ऑल। ऑन दैट नोट इज योर होस्ट निखिल चावला, आपको जैसे प्रॉमिस किया था कोशिश करेंगे अलग अलग रीजन्स का भी फूड खिलाने की, दिल्ली NCR के थ्रू माध्यम से। ऑलरेडी आपको तिब्बतन फूड, हिमालयन फूड, बिहारी फूड दिखा चुके। दिस इज़ द आंध्रा एंड साउथ इंडियन फूड। कोई जगह आपके पास हो रिकमेंड करने के लिए दिल्ली NCR में रीजनल फूड की, ज़रूर कमेंट करके नीचे बताओ। और ये मुहिम आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताओ। टेक केयर गाइज़।